आप सभी को मेरा नमस्कार। शरद जी का साहित्य, उनका शब्द संसार जितना विराट और विशाल है, उतने ही अपरिमित हैं शरद प्रेमी भी। शरद जी का साहित्य एक गुणी शिक्षक की फटकार है, जो न सिर्फ आपको सोचने समझने पर मजबूर करता है, बल्कि आपके संस्कारों की झोली में कुछ न कुछ नया भर देता है। आज की शाम का नाटक अंधों का हाथी भी इसी बात का प्रमाण है। मैं बधाई देना चाहूंगी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के मिस्टर मलय और मिस्टर राजाराम को, जिन्होंने इस अद्भुत कार्यक्रम की रूपरेखा संजोई है। साथ ही मैं ढेर सारी बधाइयां पूरी टीम को देना चाहूंगी। इस नाटक का निर्देशन किया है गुणी पिता के गुणी बेटे अमीर मेहता ने। सतीश मेहता जी, उनके पिता ने भी हिंदुस्तान में शरद जी के नाटकों का सैकड़ों बार मंचन किया है, और आज मुझे उम्मीद है कि इस समय हिंदुस्तान में जो चुनाव की गर्मा गर्मी है, उसकी आंच, उसकी ताप आपको जरूर लगेगी इस नाटक के जरिए। इस अंधों के हाथी को आप देश समझ सकते हैं, व्यवस्था समझ सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, और आज के समय में चाहें तो शहर बनारस भी समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आधुनिक हिंदी की दिशा और दशा के रूप में एक नया प्रारूप तैयार करेगा, मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी को मेरी ओर से बधाई।